हमारे मित्र, हमारे अधिकतर जितने भी सब लोग आए हैं, तो उनके लिए हमारा दिल से आभार है। और रोज फिल्म में जिसका डायरेक्शन मैं कर रहा हूँ, मनोज कुमार राजभर, और हमारे पार्टनर श्यामचरण यादव जी। श्याम जी तो हमारे बीच नहीं है, तो किसी काम में बिजी है, इसलिए वो नहीं आ पाए। हमारे सीनियर कृष्णा जी, किशन कुमार यादव जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे रॉक के बारे में? आज मुद्दत हुआ है, क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से? और सर जी, सबसे पहले तो हमारे जो मित्र लोग आए हुए हैं, सभी को शुभकामना। और प्रोड्यूसर रमेश विश्वकर्मा जी, डायरेक्टर मनोज राजभर जी और श्याम चरण जी, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। और ये जो फिल्म बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी जो आज के दौर में जो चल रही है, उस हिसाब से हमारे मित्र बना रहे हैं। मैं तो आज, मुझे दो मित्र ने बुलाया कि आज मुहूर्त है, तो पता चला मैं आया, तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा। फिल्म बहुत अच्छी है और आज के दौर जो चल रही है समाज में, उसी हिसाब से फिल्म बन रही है। लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने कहानी सुना, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रभावित हुआ, इसी वजह से मैं चला आया मुहूर्त में। और धन्यवाद देने के लिए। अपने बारे में बताना चाहेंगे? सर, मैं किशन कुमार यादव, मैं श्री सरस्वती आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड श्री सरस्वती म्यूजिक कंपनी के प्रॉप राइटर हूँ। और काफ़ी साल हो गया, कम से कम 25-30 साल तो हो गया इंडस्ट्री में। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपने लाइफ में, और आज भी मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, जैसा वक्त आता है वैसा करता रहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लोग भले कुछ भी कहे। आज यहाँ हमारे जितने टेक्नीशियन हैं, छोटे से बड़े, स्पोर्ट बॉय से लेकर किंग स्टार तक, सभी को आज काम मिलता है और काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब भोजपुरी फिल्म का नाम आता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि की जो भाषा है, बहुत अच्छी है। और हम चाहेंगे कि ऐसा ही हमेशा चलता रहे, हमारे मित्रगणों को, हमारे टेक्नीशियनों को, सभी लोगों को काम मिलता रहे और इसी तरह से सब खुशहाल रहे। मेरी तरफ से यही शुभकामना और बधाई है। हाँ जी, मेरा नाम निशा सिंह है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। किशन जी आज हमारे घर पर आए, बोले कि निशा जी चलिए, आज फिल्म की मुहूर्त है रॉ फिल्म की। मेरा हाँ, जरूर चलेंगे। तो ढेर सारी बधाई देती हूँ कि अच्छी, बहुत अच्छी कहानी है इसकी और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। और मैं यही शुभकामना करती हूँ कि अच्छी से फिल्म रिलीज हो। रही मेरी बात, तो मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। बीबी नंबर वन अजीत श्रीवास्तव की, दिनेश लाल जी हैं, मोनालिसा हैं, और उसके बाद एक दूजे के लिए अभय सिन्हा की, फिर हिटलर मूवी की विराज भट्ट के साथ, नसीम मोहम्मद जी थे प्रोड्यूसर, फिर फूल और कांटे किया, फिर मलयुद्ध किया रवि किशन जी के साथ, बहुत सारी फिल्में की, और सुभाष पासी की भूटन, किस किस की नाम बताऊँ, बहुत सारी फिल्म की हमने, सीरियल किए, हिंदी फिल्म की मुंबई कैन डांस वाला, जिसमें राखी सावंत है, उस्मान खान है, शक्ति कपूर है, मैं हूँ। जी देखिए, तो किशन जी के ऊपर है, रोल मिलेगा, रोल तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, रोल तो रोल होता है। जो भी मुझे मिलेगा उसे मैं बखूबी निभाऊंगी और अच्छा काम करूँगी। ये सब किशन जी की आने वाली फिल्मों के बारे में बताना चाहेंगे? जी हाँ, मेरी आने वाली फिल्म है गुरुआ की दीवानगी। अभी जस्ट हिंदी करने जा रही हूँ, हिंदी मूवी, ये अपना मार्शल आर्ट मूवी अनिल दुबे की। जी हाँ, अभी मैं, दो तीन फिल्में हैं, जैसे ये अपना आत्मा मूवी है, वो आने वाली है, हॉरर मूवी, गुरोवा की दीवानगी और जालिम जमाना, दमदार हिंदी फिल्म, चार पांच फिल्में आने वाली हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है और कब तक रिलीज करने का प्लान है, इसका लोकेशन के बारे में बताएंगे? प्रोड्यूसर जी से अपनी मुलाकात कर रहा हूँ सामने से, सारा मटीरियल बताएंगे। और फिल्म का जो बात है, बहुत जल्दी हम कुछ अगले मंथ में स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोड्यूसर जी अभी कुछ अपना अपने बारे में बताएँ, कहाँ कहाँ शूट करने वाले हैं लोकेशन के बारे में? पहले हम स्टार्ट करेंगे मुंबई में, फिर आजमगढ़ में, फिर मुंबई जगह। बात की जाए फिल्म के संगीत के बारे में, कितने गाने होंगे और सिंगर के बारे में बताना चाहेंगे? इसमें 7 गाने हैं। सर, हमारे प्रोड्यूसर हैं रमेश जी, रमेश विश्वकर्मा जी,
ये बताएंगे अपने डिटेल में स्टोरी के बारे में बताएंगे। मैं रमेश विश्वकर्मा आजमगढ़ से हूँ। लोग रॉन्ग पिक्चर बना रहे हैं और इन लोग का कार्यकर्ता इन लोग यही ये लोग हैं जो भी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ बस अच्छे से चले सफलता पूर्वक। अच्छा, ये सोचा था कि निरहुआ के हारने के बाद ही शुरू करेंगे? ऐसा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा भाई, निरहुआ का फॉर्म ज्यादा है, मैं उसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा। निरहुआ को वोट दिया था आपने? निरहुआ को ही दिया था भाई वोट। राजनीति की बात ना करें तो अच्छा है, राजनीति अपनी जगह है फिर अपनी जगह। सॉरी, इसके लिए बताइए फिल्म के बारे में, बताइए कैसे ख्याल है कि फिल्म बनाया जाए। आप फिल्में बनाते हैं, इससे पहले फिल्म बताइए आपने? इससे पहले आपने कोई? ये पहली फिल्म, पहली फिल्म है। क्यों आपने ये सोचा कि भाई फिल्म ही बनाई जाए, हमें पिक्चर करनी है, यह ख्याल कहाँ से आया? ये रमेश सर से पहली मुलाकात हुई, मैंने स्टोरी बताया तो बहुत अच्छी लगी उनको स्टोरी, तो बोले हैं कि इस स्टोरी पे हम काम करेंगे, पूरा रिस्क उठाएंगे। तो जो अंदर से हौसला दिया है तो सारी यूनिट, पूरी यूनिट इनके साथ है। आजमगढ़ में शूटिंग करेंगे या नहीं? आजमगढ़ में, मुंबई और आजमगढ़ में, यूपी के और कई जगह पे होने वाली है, कई जगह। फाइनल हो रहे थे तो कलाकार इसमें फाइनल हो रहे थे, आपसे भी कुछ पूछा गया कि भैया किस आर्टिस्ट को रखा जाए नहीं रखा जाए? आपने अपनी तरफ से कुछ नाम बताया? मैंने कुछ नहीं बोला, भाई साहब ने जो बोला है, जिसको लिया है वो सब इन्होंने ही किया है, हमने कुछ उसमें नहीं किया। बाकी जो बोले करने को वो अपन कर। पहले तो सारे मीडिया वालों को मेरे तरफ से सबको नमस्कार, देख ही रहे कोने में कहीं हूँ मैं भी, ऐसे निगेटिव हूँ मैं इस फिल्म में। हमारे डायरेक्टर साहब मनोज दास बर्जी, इन्होंने फाइनल किया मुझे। अब तक आपने क्या क्या किया बताने जा रहे हैं? इसके पहले मेरी एक फिल्म और आई है, इन्हीं की फिल्म है, मनोज दास बर्जी की, प्रोड्यूसर मीरा जी हैं, कलूटी द ब्लैक ब्यूटी हिंदी फिल्म है वो, उसमें भी निगेटिव कर रहा हूँ। ये दूसरी तीसरी फिल्म है भी, और इसके पहले तो वो 25% कलूटी द ब्लैक ब्यूटी की पिक्चर कम्प्लीट मतलब शूट हो चुका है, 75 का मतलब बैलेंस है। कुछ कारण है एक्टरों की वजह से, मतलब काम रुका हुआ है हमारा, बाकी सारा काम क्लियर ही। अभी ये आजमगढ़ जा रही है अगले महीने, ये अगले महीने मेरी फिल्म जा रही है आजमगढ़ में शूट करेंगे। असल जिंदगी में आपने कभी किसी को रॉक दिखाया? बोलने की बात ही नहीं है, जो मुझे जानते हो तो सब बोलने की जरूरत नहीं है, जो था वो हूँ बस, अभी वो नहीं। किसी कोने से शुरू हुआ, बस वही चीज आज मेरे काम आ रही है। उम्मीद करूंगा फिल्म में आप रॉब जरूर दिखाएंगे। यस यस, वो तो पूरी चीज है, अभी भी वही रॉब ही है मेरे, वो तो एक तरीका है बात करने का, वो बात मैं कर रहा हूँ। मेरा इसके अंदर, मैंने किसी के इधर क्लास ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस ये कि मैं इनके यहाँ आया था। मैं एक्चुअली पहले प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता था फिल्म लाइन में, तो मनोज राजवर जी के यहाँ मुझे बुलाया गया कि तुम्हारा वहाँ ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए, आप जाइए वहाँ करके आइए। तो इन्होंने मुझे देखा, बोला रवि यार तुम्हारे में एक्टिंग भरी हुई है। बोला सर मैंने कभी एक्टिंग सीखा ही नहीं, कहीं किया नहीं है। तो बोले यार मेरे फिल्म में तुम्हारे लिए एक अच्छी काम है, कर लोगे? बोला अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तो कर लो। फिर उसके बाद चल ही रहा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रागिनी शुक्ला। बताइए फिल्म में क्या किरदार है आपका? एज अ लीड कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छी मूवी है। लोग बोलते हैं कि जब भोजपुरी एज अ बल्गर सीन और फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते हो, बट ऐसी मूवी है किसमें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बोर्ड सीन नहीं, कोई बल्गर सीन नहीं है, और मतलब बहुत अच्छी है, कॉमेडी भी है, और एज अ फाइटिंग वाइटिंग यू नो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी मूवी है। गर्लफ्रेंड भी हूँ, एज अ वाइफ भी हूँ, और एज अ मतलब कि एज अ फ्रेंड भी हूँ, तो सारी चीज़ें। ब्रिजेश विश्वकर्मा, क्या है आपका? मैं लीड कर रहा हूँ इसमें, मेन हीरो।
है जो सारा चीज मैटर को सॉल्व करता है, तो वैसा किरदार रोल है मेरा। अजय जी आप कहीं से भी मुझे दबंग नहीं लगते हो, आप पावर स्टूडेंट लगते हो यार। जी ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन नेचुरलिटी देखने में तो जाहिर सी बात है, हर वक्त सब अपना ऐसे रूप में तो रहेगा नहीं, वो जब हो जाएगा पर्दे पे आएगा तो लगेगा ऐसा। हमारे डायरेक्टर जी हैं, वो हमको उस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे और हम दिखने की कोशिश करेंगे। तो दबंग अवतार देखने के लिए हमें सिनेमा घरों तक जाना जी बिल्कुल जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा। अच्छा फिल्म रोमांस के लिए कोई जगह है जी? यार मौका देश को बिल्कुल है अजाम, उनको रिवील तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये समझ लीजिए पूरा एक फिक्स ऐसी स्टोरी है जिसमें सब मिलेगा, एक्शन और लव इमोशन सारी चीज़ें हैं, जो इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो मिस होंगी, तो देखने वाले जो दर्शक रहेंगे उनको बहुत अच्छा फील होने वाला है। एक्शन तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने हो सकता है जेल किया हो, पहले तो कॉलेज में मार झगड़ा लड़ाई की हो, लेकिन वो रोमांस और प्यार के बारे में थोड़ा बताइए, उसके बारे में आपने किया है कुछ एक्सपीरियंस है? बिल्कुल जी, ये तो सबके साथ होता है, नॉर्मल चीज़ें तो मुझे लगता है कि हो सकता है। ये मुझे लगता है आप सबसे सच्चे कलाकार हो, आपने सही बात बता दी। क्यों हाँ जी बिल्कुल एक्साइटेड हैं आप इनके साथ काम करने के लिए? बिल्कुल क्यों नहीं। मनोज जी, जी सर, दोनों आपकी लीड पेयर आपके साथ बैठी हुई है, कैसे सिलेक्शन हुआ इनका कि नहीं, क्यों ये रोल करवाना है? काफी तैयारी किया है इन्होंने, काफी रिहर्सल भी चालू है, मुझे लगता है कि शूट पे बहुत अच्छा काम इन लोग कर रहे हैं। इन दोनों पर कितने गाने प्लान किए हैं आपने? अच्छा गाने से उदित जी है, उदित जी है और विजय चौहान जी हैं, श्री शिवम राणा करके हैं सिंगर हमारे भाई साहब, वो हैं और भी हैं जो एक दो जन और, 6-7 गाना है एकदम बहुत प्यारा गाना है, जितने भी हैं सारे मुझे लगता है सबको पसंद आएंगे। आप तो नहीं गाते हैं? जी नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ। आप गाते हैं? नहीं गाती तो नहीं, बट हाँ गुनगुनाती रहती हूँ, शौक है गाने का और डांसिंग का एक्टिंग का। तो ये तो मौका भी है, दस्तूर भी है, अजय जी की भाषा में गा के भी सुनाइए। अरे मतलब काफ़ी, और लगे हुए फिल्म स्टार्ट होगी अगले मंथ से, तो
यही है कि आप लोग की शुभकामनाएं चाहिए और आशीर्वाद प्यार चाहिए और फिल्म को रिलीज तक ले जाइए, उसके बाद सिनेमा घरों में लग के बाद देखिए आप। अशोक भाई आप असल में भी सिंगर हो या फिल्म में सिंगर का किरदार निभा रहे हो? नहीं मैं असल में सिंगर, फिल्म के गाने में दे रहा हूँ। अच्छा फिल्म के गाने आप गा रहे हो, कुछ गा के सुनाना चाहते हो? मैं गानों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। जरूर सुनाएंगे जरूर। तो एक गाना बन चुकी है फिल्म की, अभी सब कतार में लगे हुए हैं। एक फिल्म है जो फिल्म में गाना आएगी वही है, उस गाने का बोल इस टाइप का, तभी तो सोने पे स्वागत है। अच्छा आप लोग यहाँ कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से है? इंडियन अकेले रियाज भाई है हमारे, सभी इंडियन है लेकिन हम घर से कहते हैं रियाज इंडियन है। आप भी बताएं रियाज भाई कैसे जुड़े हो आप? फिल्म का ऐसा है, ये ब्रिजेश इस फिल्म के जो हीरो हैं लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। और फिल्म के बारे में क्या कहें, कहानी इतनी अच्छी है, हालांकि मुझे मना करके रखे इसलिए मैं तो चाह रहा था बताना, बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिस फिल्म को मतलब भोजपुरी फिल्मों के लिए जो लोग इग्नोर करते हैं कि यार छोड़ो क्या देखना, बट इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिल्म देखने लायक है, बहुत प्यारी फिल्म है। और फिल्म के बारे में क्या कहें, फिल्म का टाइटल ही कह रहा है रॉब, तो अपने आप में खुद ही रॉब दिखा रहा है, तो हमें तो देखना ही फिल्म। रियाज भाई सिर्फ दुआएं देंगे या फिल्म में पर्दे पर भी नजर आएंगे? नहीं इंशाल्लाह दुआएं देने तो आए और सभी लोग अच्छे हैं और इंशाल्लाह पर्दे पे भी दिख सकते हैं। और खासकर ये फिल्म जो पारिवारिक है, आप लोग मतलब कि दर्शकों का जो माइंडसेट बन चुका है कि भोजपुरी गंदी है, मानता हूँ कुछ कुछ गंदे है, कुछ कुछ गंदी है, लेकिन हटाई जा सकती है अगर आप लोग चाहे तो दर्शकों से एक मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग हमारे टाइप का फिल्म देखिए जो हम लोग बनाते हैं, पारिवारिक फिल्म है, अगर आप लोग देखेंगे तभी हम लोग बना पाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसी हमारी सोच है और उसी को पर्दे पर लाना चाह रहे हैं। तो बस आप लोग से आग्रह है कि आप लोग देखिए फिल्म और देखिए, अपना रिव्यू बताइए कैसा है, ताकि आगे भी हम लोग और कतार में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, अभी अगर ये सब सफलतापूर्वक इसको लॉन्च करके अच्छे से पहुंचा दिया जाए उसके बाद तुरंत दूसरे पे काम किया जाएगा। संदीप भाई आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, दरकार से पालों को छोड़ कर कोई भक्त से आप बातें करते हैं? नहीं 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 नहीं, थैंक यू, ये सब धन्यवाद के जरिए बताएंगे। सबको धन्यवाद करता हूँ, सारे मीडिया पर्सन्स को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोज राजभर जी को, इनके जो प्रोड्यूसर हैं रमेश विश्वकर्मा जी और एक डायरेक्टर श्याम चरण यादव, वो यहाँ नहीं है, काफ़ी अच्छे मित्र हैं हम लोग, साथ में काफ़ी काम किया है, इसके लिए मैं एडिटर हूँ और काफ़ी साथ में काम किया है। और ये फिल्म रॉब जैसे नाम से बहुत अच्छी फिल्म है, जो जहाँ तक कहानी के बारे में मुझे पता है, जैसा कई लोगों ने बताया भी है कि बहुत साफ सुथरी एक अच्छी फिल्म है जिसे विद फैमिली देखी जा सकती है। और इनकी एक और फिल्म है जिसमें आप मुझे एक्ट करते हुए नजर आए देख सकते हैं, कलुटी, आई थिंक कलुटी द ब्लैक ब्यूटी, जो हिंदी फिल्म है, और ये भी बहुत जल्दी दोनों फिल्में एक साथ फ्लोर पर जाने वाली है, और आई थिंक कलुटी का कुछ काम बाकी है और ये फिल्म शायद नेक्स्ट मंथ फ्लोर पर जाने वाली है। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं मनोज जी, श्याम चरण यादव, रमेश जी और इस टीम, जितने भी जो हीरो हैं, जो लीड हैं, जो रवि तेजा, जितने भी एक्टर हैं जो भी हैं इस टीम से जुड़े, सबको बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ, फिल्म अच्छी बने और एक भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जो र्यूमर फैला हुआ है वो गलत साबित हो। बस हम तो यही कहना चाहेंगे इतना ही कि हमारे मित्र हैं और मित्र के जरिए हमें पता चला, और जैसे कि और लोगों ने बताया इस फिल्म के बारे में, तो हमने भी सुन के यही लगा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी होगी और अच्छी बनने के कारण पब्लिक भी अच्छी तरीके से देखेगी, समझेगी, और उम्मीद यही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये फिल्म सुपर हिट साबित होगी।
मित्र हैं और मित्र के जरिए ऐसे ही जुड़े हुए हैं, एक दर्शक बोल सकते हैं, एक शुभ चिंतक, इनके शुभ चिंतक बोल सकते हैं, बस यही। आ जाओ शरीफ, आ जाओ, बढ़िया काम करें और आने वाले सालों में अपना नाम करें, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम मीडिया से आए हमारे सभी भाइयों को हाथ जोड़ के प्रणाम है, और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं भोजपुरी जगत हो या हिंदी बॉलीवुड कुछ भी हो, हमारे जितने भाई देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं वो भी देख लें, और भाई को प्यार आशीर्वाद दें हमारे बड़े भाई ब्रजेश विश्वकर्मा जो कि आने वाले दिन का अपकमिंग सुपरस्टार। भाई को गॉड ब्लेस यू, माता रानी से आशीर्वाद की कामना है कि माँ विनिवासिनी भैया को ऐसे ही आशीर्वाद देती रहे, और भाई मेरा बहुत आगे जाए जो है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग इस मूवी को आते ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी मात्रा में जाकर अपने फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। बस आप लोग प्यार आशीर्वाद भाई को बनाए रखिए, जय हो भाई। आप लोग बोलिए ना, नमस्कार आप सभी को, सभी श्रोतागणों को। मेरा नाम भूषण सिंह है और मैं इस फिल्म का लेखक हूँ। तो
जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, रॉब रॉब नाम से आप सबको पता चल रहा होगा टाइटल से ही। और बेसिकली जो आजकल की फिल्में जो होती है उन सब से हटके, कुछ लीक से हटके हमने करने का कोशिश किया है। और ये समझ लीजिए पूरी तरीके से पारिवारिक फिल्म तो है ही है, रोमांस एक्शन का भरपूर तड़का है। और कुल मिलाकर मतलब बहुत मजा आएगा आप लोगों को देख करके। बस आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है, आप सबका साथ मिलता रहे, बस इतना काफी है। थैंक यू।